कांग्रेस जितना दमखम लगाना होगा हम लोग लगाएंगे, सारथी ने उनके साथ होके चलेंगे। चिराग जी को पुरानी बाजार में कहीं हेलीकॉप्टर से ड्रॉप डाउन कर दीजिए और उनको कहिए भाई हमको जाना है कचहरी चौक, वो रास्तावाने भूल जाते हमको बताइएगा। कि जो हमारे माननीय सांसद यहाँ रात बिताए हों, हम लोगों के साथ में रहे हों, अगर उनको रहना भी होता है तो जम्मू उनको गंदा शहर लगता है, वो चले जाते हैं देवघर रुकने के लिए। तो अगर जमुई का कोई बेटा बनेगा, अगर मैं बनता हूँ मान लीजिए, तो मुझे खोजते लोग तो छत पे भी चढ़ जाएंगे ना, ज़बरदस्ती धकिया देंगे कि गुप्ता जी काहे सुतल हो उठो। नीतीश जी जब कमज़ोर पड़े तो कहाँ गए आदरणीय लालू प्रसाद जी के पास, लेकिन उन्होंने सब कुछ माफ़ किया और मुझे पूरा विश्वास है कल भी अगर जाएंगे तो माफ़ कर देंगे। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। तेजस्वी यादव की, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा चल रही है। जमुई पहुंचेंगे, तैयारी बड़ी जोरों शोरों से है और पूरा परिवार, महागठबंधन का जो परिवार है वो इसकी तैयारी में सफल बनाने को लेकर बहुत मेहनत कर रहा है। सारे नेता जुटे हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जमुई से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जो एक प्रत्याशी होते हैं उसकी इनकी भी दावेदारी है, पान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आईपी गुप्ता जी, इंजीनियर आईपी गुप्ता, ये भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम बात करते हैं उनसे। गुप्ता जी, क्या तैयारी चल रही है? देखिए, आज राजद के प्रधान कार्यालय जमुई में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री बड़े भाई आदरणीय विजय प्रकाश जी के नेतृत्व में सारे इंडिया एयरलाइंस के गठबंधन की बैठक हुई और एक डिटेल माइक्रो प्लानिंग बनी कि किस तरह से तेजस्वी जी के जो जनविश्वास यात्रा है बिहार में जमुई ओवल बने और एक नज़ीर बने, उस पर हम लोगों ने एक डिटेल प्लानिंग की है। देखा गया राहुल गांधी की जो यात्रा हुई बिहार में, तेजस्वी सारथी का काम कर रहे थे। जी जी, तो जो तेजस्वी की यात्रा हो रही है, अभी जमुई आने वाले हैं, तो क्या सारथी की भूमिका में कांग्रेस रहेगी? देखिए, एक बात आपको बताएं, कांग्रेस और राजद एक नेचुरल अलायंस है और आप देखेंगे कि राहुल जी, सोनिया गांधी जी और आदरणीय लालू प्रसाद जी के एक नेचुरल, एक फैमिली की तरह, उनका एक्सटेंडेड फैमिली एक दूसरे का। और जहाँ तक जैसे मैंने बताया कि कांग्रेस हमेशा उनके साथ खड़ी है और हम लोग उनके स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार है। कांग्रेस जितना दमखम लगाना होगा हम लोग लगाएंगे, सारथी ने उनके साथ होके चलेंगे, साथ होके चलना है। आपने चुनावी जो आगाज हुआ है, चुनाव का तो आगाज हो चुका है जी, आपने आगाज जमुई में शुरू की है, रैली भी निकाली, क्या देख रहे हैं, किस रूप में देख रहे हैं यहाँ पर टिकट को लेकर के, जबकि अभी टिकट फाइनल नहीं हुआ है? देखिए, जो भी राजनीति करता है, चाहे किसी भी दल का हो, कोई भी हो, चाहे छोटा कार्यकर्ता बड़ा कार्यकर्ता, हर कोई चुनाव लड़ना चाहता है। और मैं 2012 से 2019 में भी मैं अपनी दावेदारी पेश किया था कि एक स्वाभाविक सी बात है कि मैं जमुई का हूँ, कांग्रेस का हूँ, तो नेचुरली मुझे भी चुनाव लड़ने की इच्छा है। और मैं ये दावेदारी अपने पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं को, इवन जब मैंने 4 जून को एक बड़ी अखिल भारतीय पान महासंघ की रैली किया था जहाँ आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी मंच पे थे और हमारे समाज के एक मेमोरेंडम के थ्रू उनसे कहा गया था कि पूरे बिहार में हमारे जाति से इंजीनियर आईपी गुप्ता को आप उम्मीदवार बनाइए लोकसभा का। तो ये डिमांड जो है, ये जो पेशकश है, हम लोगों ने लगभग सारे राजनीतिक दलों को कहा है। कांग्रेस तो मेरा घर ही है, मैंने वहाँ कहा है और स्वाभाविक तौर पर लड़ना चाहता हूँ। मैं कोई पर्दे के पीछे बात तो करता नहीं, क्यों नहीं लड़ूँ, घर है मेरा और ये चारागाह जो बना के रखे हैं बाहर के लोग, उसे मुक्त कराना भी चाहता हूँ। किस रूप में मुक्त कराना चाहते हैं, क्या देखते हैं जो अब तक में आपने देखा? मैंने अभी तक जो पिछले 12 बरस से जमुई के हर एक आदमी के पल्स को मैं जानता हूँ, आप 10 बरस के उनके सांसदीय जीवन काल को देखें तो ये होटल है ना, जब इलेक्शन होता है तो जेनेक्स ब्रिज में इलेक्शन का कैंपेन करते हैं, लेकिन एक सिंगल रात हमको बता दीजिए कि जो हमारे माननीय सांसद यहाँ रात बिताए हों, हम लोगों के साथ में रहे हों, अगर उनको रहना भी होता है तो जम्मू उनको गंदा शहर लगता है, वो चले जाते हैं देवघर रुकने के लिए। तो अगर जमुई का कोई बेटा बनेगा, अगर मैं बनता हूँ मान लीजिए, तो मुझे खोजते लोग तो छत पे भी चढ़ जाएंगे ना, ज़बरदस्ती धकिया देंगे कि गुप्ता जी काहे सुतल हो उठो, ऐसा कर सकते हैं ना वो। तो एक जमुई के विकास के लिए आप ले उठा लीजिए, जमुई में जितने भी नेता हुए लोग, हमारे जमुई के सांसद आदरणीय बड़े भाई जयप्रकाश नारायण यादव भी रहे,
आप देख लीजिए उनके कार्यकाल में कितने काम हुए। जम्मू के जो भी नेता हुए, जम्मू के लिए जिया है, जम्मू के लिए मरा है। बाहर का कोई भी आदमी इस मिट्टी से उसको लगाव नहीं हो सकता, विकास के बारे में सोच नहीं सकता। मैं तो ये भी कहता हूँ, चिराग जी को पुरानी बाजार में कहीं हेलीकॉप्टर से ड्रॉप डाउन कर दीजिए और उनको कहिए भाई हमको जाना है कचहरी चौक, वो रास्तवाने भूल जाते, हमको बताइएगा। ये तो बात हुई चिराग पासवान की, आपके मन में क्या है जम्मू का, क्या किस तरह का मैप आपने देखा है विकास को लेकर? देखिए, भारत और बिहार सरकार कोई भी एक ऐसा स्कीम नहीं है जो हमारे आपके लिए उपलब्ध नहीं है। एक भी स्कीम है, बीमारी से रिलेटेड हो, आवास से रिलेटेड हो, रोड हो, नाला हो, कुछ भी, ट्यूबरक्लोसिस हो, सारी चीज़ के लिए है। तो सांसद को करना क्या होता है कि भारत और बिहार सरकार के द्वारा चलाए जा रहे स्कीमों को जनता तक पहुंचाना, उसको सुनिश्चित करना है, वही तो जनप्रतिनिधि काम है। लेकिन मैं जो सबसे बड़ा बदलाव लाना चाहता हूं जमुई में, वो ये है कि जब अगर कोई गरीब सा आदमी या साधारण व्यक्ति किसी सरकारी कार्यालय में जाता हो, चाहे BDO हो, DM हो, पुलिस हो, कार्यालय के हो, तो उसको लगना चाहिए कि जो आदमी साधारण सा दिख रहा है वो आदमी नहीं है, उसमें सांसद IP गुप्ता दिखाई पड़ना चाहिए। जिस दिन वो परिवर्तन ला देंगे, ये रोड नाले सब बनते चले जाएंगे। आदमी प्रशासनिक पदाधिकारी को लगना चाहिए, शासन में बैठे लोगों को, कि जो साधारण आदमी नहीं है, उसे मेरा सांसद आ रहा है, ये एक फीलिंग पैदा करना है। पूरे देश में देखा जाए तो कई दशक तक कांग्रेस ने अकेले राज किया है, अब गठबंधन की राजनीति चल रही है, और गठबंधन की राजनीति जब से चल रही है तब से कांग्रेस का देखा जा रहा है, या आप भी समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि ग्राफ डाउन हुआ है। किस रूप में देखते हैं गठबंधन की राजनीति को कांग्रेस के नेता? देखिए, अगर आप अभी वर्तमान के समय को लिखें इंडिया और NDA के तरफ में, इंडिया बनता जा रहा है और NDA बिखरता जा रहा है। वो नारा दे रहे हैं ना 400 पार, जब 400 पार है तो कांग्रेस से उसको उठा के ले आओ, जयंत को वहाँ से ले आओ, ममता बनर्जी को तोड़ो, उसको तोड़ो, उसको लाओ। 46 पार्टियों का NDA आजकल हो गया है। एक ऐसी 46 में से वैसे भी पार्टी हैं जिसके पास एक भी सांसद कभी चुनाव भी नहीं लड़ा और रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है उस पार्टी का। क्यों भाई, जब आप 400 पार वाला शेर हो तो इवन सारे लोगों की इकट्ठा क्यों कर रहे हो? शेर तो अकेला चलता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बिहार में बैठ के 400 पार, बंगाल जाइए, उड़ीसा जाइए, आंध्रा जाइए, केरला जाइए, वहाँ का 400 पार हो रहा है। इंडी गठबंधन के जो मुख्य रूप से उसके तैयार करने में अहम भूमिका जिसने निभाई थी, अब वही इंडी से अलग हो गए हैं, NDA में शामिल हो गए हैं। नीतीश कुमार की मैं बात कर रहा हूँ। क्या अच्छा, इंडी क्या है? इंडिया अलायंस है भाई, इंडी क्या होता है? इंडी अलायंस, देखिए मैं बताता हूँ। जब मैं 4 जून को बापू सभागार में गया था ना रैली करने के लिए, तो उनको निमंत्रण देने के लिए गया था मैं, मेरे साथ आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी थे। अब अखिलेश बाबू से बात कर रहे थे कि मैं अपने लिए नहीं, मैं देश के लिए सभी लोगों को एकत्रित करना चाहता हूँ। ये आदमी चप्पल तक बेच देगा हमारा आपका, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का वचन था जो मेरे सामने कहा गया था। मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमारे मुख्यमंत्री जी की यह प्रॉब्लम है, उनको कुछ नहीं चाहिए लेकिन चाहिए सब कुछ होता है। तो अगर वो बिहार के लिए, देश के लिए जीते होते या अपने व्यक्तित्व के लिए भी जिए होते तो पलटते नहीं। और ये दुर्भाग्य हमारे बिहार का, एक इतना बड़ा नेता बिहार का, उनकी छवि ऐसा हो जाए कि उनकी विभिन्न नामों से पुकारा जाने लगे, गलियों में अजीबो गरीब बात उनके कही जाने लगे। तो ये नीतीश कुमार जी, वो सिर्फ अपने लिए इकट्ठा कर रहे थे लोगों के लिए, न बिहार के लिए, न देश के लिए, किसी के लिए नहीं। तो एक बात तो है, ये भी देखा जा रहा है कि जब आपके अलायंस में आते हैं नीतीश कुमार तो अच्छे हो जाते हैं, बाहर जाते हैं जैसे ही दूसरे अलायंस में चले जाते हैं। देखिए, हमारे तो संस्कार है। आप तेजस्वी जी का भाषण सुनिए, तब देखे होंगे उन्होंने कभी व्यक्तिगत कटाक्ष या प्रहार उन पर नहीं किया। क्यों? कि आज भी वो अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी के पूरे जीवन काल को देखिए, तो उनके पीठ में जो भी भाले फोंके हैं, भोंके हैं लालू जी के, और जब उनके पास गया है तो उनको माफ़ किया है। उसमें से एक उदाहरण रामविलास पासवान जी का भी है कि जब कोई नहीं था तो वो खड़े थे। अब जितने भी नेता है उधर, नीतीश जी जब कमज़ोर पड़े तो कहाँ गए? आदरणीय लालू प्रसाद जी के पास। लेकिन उन्होंने सब कुछ माफ़ किया, और मुझे पूरा विश्वास है कल भी अगर जाएंगे तो माफ़ कर देंगे। तो संस्कार है उस इंसान का कि वो माफ़ करते हैं, वो कभी भी गद्दारी नहीं कर सकते नीतीश जी, चाहे वो जितना भी गद्दारी कर ले, जितना भी पलट जाए, लालू जी जो हैं वो हमेशा बने रहेंगे।
धन्यवाद। तो सुना आपने, ये थे अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता, कांग्रेस के नेता हैं और जमुई से दावेदारी इनकी भी है जो लोकसभा चुनाव, आसन्न लोकसभा चुनाव में। तो आगे क्या होता है वो तो देखना है, लेकिन बातें इन्होंने जो कही बेबाकी से कही है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।